हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 1 सितंबर, तो 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर। और पीछे के करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हुए चलेंगे। पूरे जितने भी करंट आते हैं वो हम नहीं कवर करते, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन जिसके आने के 100% चांसेस होते हैं, वही हम आप लोगों को करवाते हैं। बिना मतलब का भीड़ लगा करके क्वेश्चन की रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन की भीड़ लगा दें और सब कुछ पढ़ते जाएं और एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हो, तो वो सही नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, बस जल्दी से फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक, जिससे कि मुझे आप सभी के प्रेजेंस पता चल सके। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो ये हैं इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। तो ये उपलब्धि उन्होंने कब हासिल की? जब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे, अजहर अली को आउट करने के बाद ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। उस विकेट के बाद ही ये उपलब्धि इनके नाम हुई है, ठीक है। वह अब तीन स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं, ठीक। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, सी विनय टोन्स। ऑप्शन सी सही होता है, विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो इनकी नियुक्ति हुई है अश्विनी भाटिया के स्थान पर, ठीक है, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और बात आ जाती है यहाँ पर एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई? उत्तर आपका हो जाएगा जून 1987 को। एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन, हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट, लिख देते हैं लिबर्टी या लाइवर्टी, जो भी प्रोनाउंसिएट आप करें, लाइवर्टी सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट, ये शुरू किया किसने? एक्सिस बैंक ने, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा और जो इससे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाता है। और ये खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आ जाती है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही है,
जहां पर SBI म्यूचुअल फंड का था। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? लिख देते हैं अमिताभ चौधरी। ठीक, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हाल ही में किसके द्वारा विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। एक रेटिंग प्रणाली विकसित करने के लिए ये विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई है। और इसके द्वारा क्या होगा? इस प्रणाली में जैसे विक्रेताओं का स्व मूल्यांकन करना होगा, मतलब जो भी डेटा मांगा जाएगा उसको अपलोड करना होगा। जो विक्रेता पोर्टल पर जो भी अपेक्षित दस्तावेज होगा अपलोड नहीं कर पाए होंगे, उन्हें NHAI की नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस समझ में आ रही है? तो संबंधित दस्तावेज को अपलोड करना होगा जो विक्रेता होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाल ही में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT के साथ किसने समझौता किया? तो ये समझौता किया गया इसरो। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने VSSUT, वीर सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इस समझौता आपस में जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है उसका ये मतलब होता है कि दोनों मिल करके जो भी स्थापित करने चल रहे हैं, जो भी सेंटर स्थापित करने चल रहे हैं, जो भी परियोजना लॉन्च करने चल रहे हैं, जो कुछ भी करने चल रहे हैं उसमें दोनों मिल करके काम को करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात आ जाती है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से GS का बनता है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? KS शिवन है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और VSSUT के कुलपति कौन है? अटल चौधरी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है उड़ीसा के संबलपुर में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहे इसरो से भी रिलेटेड, और ये वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से भी रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विमेंस इक्वालिटी डे। ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, 26 अगस्त को। अमेरिका में 26 अगस्त को अमेरिकी महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो महिला समानता दिवस को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, 26 अगस्त को मनाया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 17वीं बैठक। तो वर्चुअल तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑनलाइन, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। और आपको बता दें इस वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता किसने की? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष जो वियतनामी फॉम बिन मिन ने की। फॉम बिन मिन क्या है, लिख देते हैं एक मिनट, फॉम बिन मिन, तो इन्होंने की, इन दोनों ने अध्यक्षता की, साथ साथ अध्यक्षता की इस कार्यक्रम की। ठीक, चलिए
एक मिनट, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? ब्रायन ब्रदर्स ने, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, टेनिस से। तो टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी जो थी माइकल ब्रायन और बॉब ब्रायन की थी, तो इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ब्रायन ब्रदर में इनका नाम क्या था दोनों का, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इस भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है, जिसमें सभी चार ग्रैंड स्लैम, सभी 9 ATP मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये छोटे मोटे नहीं थे, ये जानते रहिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा भी क्वेश्चन। हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, मैरी के लुकास रिजेनवेल्ड। मैरी के लुकास रिजेनवेल्ड ने ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपने पहले उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। तो इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, लिख देते हैं द डिस्कम्फर्ट, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इन्होंने पुरस्कार जीता। और ये क्या है, नॉवेल है, उपन्यास है। तो और इसी के साथ ये रिजनेवर्ल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। और ये किताब किस पर है, ये किताब ग्रामीण नीदरलैंड के कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसके भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो सोचती काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। कुछ इसी तरीके से उपन्यास चलता है और इस पर इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हचिंस, लिख देते हैं मिशेल हचिसन के द्वारा किया गया। पहले डच भाषा में निकला, फिर इंग्लिश में अनुवाद हचिसन के द्वारा किया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है, यह हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर से गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन को बढ़ने को प्रोत्साहित करना है और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। इसमें जो पैसा मिलता है ना इस पुरस्कार में, तो दोनों को आधा आधा बांटा जाता है, दोनों को पहचान देने के लिए, यानी कि अनुवादक और जो लिखे होते उपन्यास उनको, दोनों को। ठीक है, तो उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के पात्र होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, कंप्यूटर। तो प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो आप ये जानते रहिए। और स्पीलबर्ग की कुछ उपलब्धियां आपको बता देते हैं। स्पीलबर्ग ने पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर विकसित करने में मदद की। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिज़ाइन किया। ये कुछ उपलब्धियां हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, तो कर लेंगे एक बार जल्दी से एक सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जेम्स एंडरसन
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाता है, विनय टोन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किसने की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई। ऑप्शन बी NHAI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT के साथ किसने समझौता किया। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, इसरो ने। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए सही होता है, 26 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 17वीं। अगला है, हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया। ऑप्शन बी सही होता है, टेनिस से। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने। अगला है, हाल ही में अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी कंप्यूटर से संबंधित थे। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिविजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता, वह किस देश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होता है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया, ये किस देश में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी सही होता है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल लॉन्च किया। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में नेवेलिटी टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन बी NLCIL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन डी सही होता है, 2 साल तक के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन बी सही होता है, श्री अय्यर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया, ये किस देश के थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, कांगो गणराज्य के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानुप्रकाश ने NCWC में कौन सा पदक जीता। तो पदक इन्होंने जीता, ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी सही होता है, स्वर्ण पदक जीता। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस स्टार पॉलमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, ये किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी ये भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे और हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में GS की क्लास में, जो कि आपकी चलेगी 3 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।